फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गीतांश हेडी क्लास। मैं हूं सुनील कुमार और हम ओ लेवल का मॉड्यूल 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग के समक्ष लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर 6 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो हमने आप लोग के लिए लेकर आए थे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम चैप्टर 7 पे डिस्कस करेंगे, यानी कि चैप्टर 7 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिख रहा है SMTP is used to transfer, okay? यानी कि SMTP जो इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल का यूज़ क्या ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें ईमेल की बात की जा रही है, यानी कि मेल हम कर सकते हैं, ईमेल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। ठीक वही क्वेश्चन है लेकिन इसको इन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहीं ये ऑपोजिट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ रहा है कि ईमेल के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ईमेल सेंड करना है डिफरेंट होस्ट के लिए तो उसके लिए हम SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। सो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को हम देख रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिख रहा है विच ऑफ फॉलोइंग सिंबल सेपरेट्स द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। यहाँ पे बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सिंबल है जो ईमेल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो जो सिंबल होता है वो होता है एट द रेट, यानी कि जो यूज़र नेम होता है एंड जो होस्ट होता है यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका जो डोमेन नेम होता है। तो यूज़र नेम एंड डोमेन नेम को डिफरेंस करने वाला जो सिंबल होता है वो होता है एट द रेट सिंबल, जैसे कि abc@gmail.com, ठीक है। तो ये जो एट द रेट साइन है यही सेपरेट करता है ईमेल को दो पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो यूज़र पार्ट होता है, यूज़र नेम, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है डोमेन नेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है 4th नंबर, यूजुअली द ईमेल एड्रेस इज एन डैश, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस की बात कर रहा है वो निम्नलिखित में किस केस में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है लोअर केस, अपर केस, ठीक है, प्रॉपर केस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ईमेल की बात करें तो ईमेल एड्रेस जो होता है एक्चुअली जो होता है वो होता है लोअर केस, ठीक है। जनरली जो भी जितने भी ईमेल होते हैं वो लोअर केस में ही होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका केस भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर यहाँ पे लिख रहा है विच ऑफ दिस इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है। फर्स्ट तो है ईमेल, तो ईमेल से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ईमेल से ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा ये ईमेल का ही चैप्टर है, इसमें हमें ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग के बारे में हमें समझना है। तो ईमेल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इजीएस्ट वे हो जाता है ईमेल। ईमेल क्यों, क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इवन अब तो मीटिंग का भी इसने फैसिलिटी दे रखा है कि हम इसमें मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पे बात करें टेलीफोन की तो टेलीफोन से हम केवल और केवल वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मगर हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते और टेक्स्ट मैसेज भेज नहीं सकते। फैक्स में क्या है कि हम वॉइस भी कर सकते हैं बट टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, कोई हम डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं मगर हम उसमें वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ईमेल जो है वो उसमें सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, ओके। तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे इजीएस्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा ईमेल के थ्रू। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6th नंबर की। तो 6th नंबर यहाँ पे बात कर रहा है व्हाट सर्विस आर अवेलेबल ऑन उमंग ऐप, ठीक है। उमंग ऐप के बारे में पूछ रहा है कि उमंग ऐप में कौन कौन से सर्विस अवेलेबल हैं। EPFO ये भी अवेलेबल है,
पेंशन पोर्टल ये भी अवेलेबल है, सीबीएसई भी अवेलेबल है, इवन आज तो सीबीएसई का रिजल्ट भी आया है 2020 का। खैर तो ये सीबीएसई पैटर्न जो सीबीएसई जो बोर्ड है उसका भी यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है, यानी कि गवर्नमेंट का जितने भी सर्विस है या तो सेंट्रल सर्विस हो या फिर कोई स्टेट वाइज लोकल सर्विस हो, तो ये सारे सर्विस इसमें अवेलेबल होते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर। तो यहाँ पर लिख रहा है अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव डैश हैड डेवलप्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम जो चल रहा है ये किसने डेवलप किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं नेशनलिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, तो ये नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं इन सभी में कुछ ना कुछ चेंजेज हैं, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, बाकी सभी उसी चीज़ को इन्होंने कुछ कुछ अलग से वर्ड को बना के लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पे लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर ऑप्शन को देखें तो इसमें जो सबसे पॉपुलर जो है वो है फेसबुक, माई स्पेस, यहाँ ऑर्कुट और यहाँ पे फ्रेंडसेट वन है। तो ये कुछ पॉपुलर है नहीं, इवन इसमें से तो कुछ सोशल नेटवर्क साइट भी नहीं है, तो ये है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेसबुक, बिकॉज की फेसबुक ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इवन हर सभी का इस पर अकाउंट होगा एनीवे। बट हम यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 9 को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख रहा है मेल एक्सेस स्टार्टेड विद क्लाइंट व्हेन यूजर नीडेड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो यूजर्स हैं ईमेल एक्सेस करने वाला, वो क्लाइंट जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं ईमेल को, तो कहाँ से स्टार्ट कर डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका जो मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स को हम इनबॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ईमेल आया हुआ है जिस बॉक्स में इनबॉक्स बोलते हैं तो उसी को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये मेल बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईमेल सर्वर तो अगर कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे ईमेल सर्वर ही है, क्योंकि मेल सर्वर पे ही हो सकता है, मेल सर्वर से ही तो सारा डाउनलोड होगा, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट की बात कर रहा है तो हर क्लाइंट की अपना अपना मेल बॉक्स होगा और अपने क्लाइंट अपने मेल बॉक्स से ही डाउनलोड कर सकता है। यानी कि जो उसके ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स कह सकते हैं, इनबॉक्स या मेल बॉक्स, तो उसमें जो भी मैसेजेस होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आए होंगे, अटैचमेंट आए होंगे, तो वो सिर्फ उसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है व्हाट डू यू नीड टू डू बिफोर यू डिलीट अ मैसेज फ्रॉम योर इनबॉक्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इनबॉक्स से अगर हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी हमें एक्शन करना है कि भी डिलीट करना है, तो डिलीट करने से पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है इरेज द मैसेज, क्या डिलीट करने से पहले इरेज करना पड़ेगा, नहीं। सेलेक्ट द मैसेज, यस, हमें किस किस को डिलीट करना है उसको हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तभी हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट द मैसेज। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है ईमेल इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट इज एक्सचेंज बिटवीन टू यूजर्स ओवर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ईमेल का जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में स्टोर होता है जब भी दो यूजर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है तब। तो इसको अगर हम समझें यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ईमेल में हम ये सारे काम को कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है व्हेन रेफरिंग ऑन
when referring to email, an attachment is a file sent with an email message. ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है कि जब हम email भेज रहे होते हैं तो क्या हम उसके साथ attachment भी भेज सकते हैं, attachment कर सकते हैं? तो yes, हम attachment भी कर सकते हैं साथ के साथ. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. इन ऑडियंस थर्ड, नेक्स्ट अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे लिख रहा है, इन एडिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेज बीइंग सेंट ओवर ईमेल, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटैच फाइल और अदर डेटा एंड ईमेल. तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हम अटैचमेंट नहीं सेंड कर सकते, तो इसमें हम सेंड कर सकते हैं. ठीक है, अटैचमेंट के साथ कोई भी हम ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल के साथ हम अटैचमेंट फाइल भी कर सकते हैं. और फिर वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि क्या हम नहीं सेंड कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, तो नहीं, ये गलत है, हम भेज सकते हैं. ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है MIME, तो ये जो प्रोटोकॉल्स है उसी के थ्रू ये वर्क करता है, उसी के मदद से हम इसमें मल्टीपल एक्सटेंशन के फाइल को हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं. ओके, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो लिख रहा है फोर नंबर क्वेश्चन. योर ईमेल एड्रेस मस्ट बी यूनिक. यस, ये यूनिक होता है, जितने भी ईमेल आईडी होते हैं वो सभी यूनिक होते हैं. ठीक है, यू कैन नॉट डिलीट ईमेल फ्रॉम अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट. यानी कि अपने ईमेल अकाउंट से क्या कोई कंटेंट, कोई ईमेल डिलीट नहीं कर सकते? तो ये तो गलत है ना, हम तो कर सकते हैं. तो इसका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. ओके, तो अब हम सिक्स नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. यू कैन नॉट स्टोर वेब बेस्ड ईमेल मैसेज इन ऑनलाइन फोल्डर. यानी कह रहा है कि क्या हम ऑनलाइन फोल्डर पे, यानी कि कोई जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव हो गया, वो भी तो एक ऑनलाइन फोल्डर है गया, तो क्या हम अपने ईमेल को किसी फोल्डर में, ऑनलाइन फोल्डर में स्टोर नहीं कर सकते? तो नहीं, हम कर सकते हैं. ईमेल को हम अपने फोल्डर में या फिर कहीं भी हम स्टोर कर सकते हैं, इवन हम ऑफलाइन भी स्टोर कर सकते हैं डाउनलोड करके. ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा का. ओके, तो अब हम सेवन नंबर देखते हैं. यू कैन ओनली सेंड वन अटैचमेंट पर ईमेल मैसेज. नहीं, हम बहुत सारे एक टाइम में मल्टीपल अटैचमेंट को सेंड कर सकते हैं. तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि केवल और केवल एक ही अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं. तो नहीं, हम एक टाइम में मल्टीपल फाइल को सेंड कर सकते हैं. जैसे कि मान लो कि किसी को फॉर्म भर रहे हो या फिर कोई अपने बारे में रिज्यूमे सेंड कर रहे हो, तो उसके साथ रिज्यूम, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ हम एक साथ अटैच करके भेज सकते हैं. आगे हम एट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. एट नंबर यहाँ पे क्या लिख रहा है, व्हेन यू रिप्लाई, व्हेन यू रिप्लाई टू मैसेज यू नीड टू इंटर द टेक्स्ट इन सब्जेक्ट फील्ड. नहीं, जब भी हमें कोई मैसेज रिप्लाई करना होता है या फिर मैसेज लिखना होता है तो हम बॉडी फील्ड में लिखते हैं, सब्जेक्ट फील्ड में नहीं लिखते. सब्जेक्ट में लिखा जाता है कि हमारा जो मैसेज है उस मैसेज का टाइप क्या है, उस सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, यानी कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे हमने मैसेज किया हुआ है, तो वो बात की जाती है. ठीक है, मैसेज बॉक्स में, मैसेज फील्ड में. ठीक है, और जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज हम ईमेल के बॉडी फील्ड में लिखते हैं, या फिर मैसेज फील्ड भी कहते हैं, तो वो बॉडी फील्ड होता है. ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट फील्ड में हम सिंगल लाइन ही लिख सकते हैं. आगे अगर हम बात करें नाइन नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिख रहा है, इफ़ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू द सेंडर ऑफ मैसेज क्लिक द रिस्पॉन्ड बटन. यहाँ पे ये लिख रहा है कि अगर हमें किसी के मैसेज का रिस्पॉन्ड करना है तो क्या हम रिस्पॉन्ड बटन पे क्लिक करते हैं? नहीं, वहाँ पर रिप्लाई बटन होता है, हम रिप्लाई पे क्लिक करते हैं. अगर किसी को मैसेज दूसरे को फॉरवर्ड करना होता है तो उसके लिए फॉरवर्ड बटन होता है, रिस्पॉन्ड बटन नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर देखते हैं. यहाँ पर लिख रहा है, यू कैन नॉट फॉर्मेट टेक्स्ट इन एन ईमेल मैसेज. क्या आप ईमेल मैसेज के जो टेक्स्ट होते हैं क्या उसको फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते? तो नहीं, हम कर सकते हैं. वहाँ पे ईमेल में सेटिंग आता है, सेटिंग में जाने के बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग को भी कर सकते हैं. इवन हमने अपने वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें करके भी दिखाया है, सेटिंग भी हमने सिखाया है, और साथ के साथ हमने सिग्नेचर ऐड करना भी बताया है, फॉर्मेटिंग करना भी बताया है. अगर आप हमारे लेक्चर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं. आपको इसी चैनल पे IT टूल्स के नाम से आपका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें 7 नंबर चैप्टर में हमने इन सभी बातों को फोकस किया है, उस पर डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं.
ओके अब हम यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन ही आएंगे, बट हमने एक प्रैक्टिस के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने दे रखा है, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एट द रेट एंड डॉट साइन कैन बी यूज इन ईमेल एड्रेस। तो यस, ईमेल एड्रेस में एट द रेट एंड डॉट साइन का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ abc@gmail.com, ठीक है, डॉट और डॉट साइन भी यूज हो रहा है एंड एट द रेट सिंबल भी यूज हो रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे, ये स्टेटमेंट जो है 11 नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ट्रू फॉल्स के। अगर इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को एक तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम मैच की मैचिंग करेंगे, यानी कि हमारे पास दो कॉलम्स हैं और इन दोनों कॉलम को हम यहाँ पे मैचिंग करने वाले हैं। ओके, कॉलम ए एंड कॉलम बी को हम यहाँ पे मैच करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है पॉप, पॉप थ्री। पॉप मीन्स होता है, पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आप जब भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो जितने भी फुल फॉर्म मिल रहे हैं, इन सभी फुल फॉर्म को आप याद रखें और नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है पॉप थ्री, पॉप थ्री हम किस में यूज किया जाता है, तो पॉप थ्री तो खैर मेल में यूज किया जाता है ईमेल डाउनलोड करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है FTP, FTP का अब यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। तो इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन फुल फॉर्म आ सकते हैं, हो सकता है कि POP का यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसलिए जितने भी आपको मिल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, तो उसे आप याद रखें। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर। यहाँ पे लिख रहा है फॉर्मेट ऑफ ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट का फॉर्मेट क्या है, तो इसको अगर हम देखें, यानी कि ये जो अटैचमेंट करने का जो तरीका हमने अभी बताया था, MIME करके एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके मदद से क्या होता है कि ईमेल अटैचमेंट सेंड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, MIME के फीचर के मदद से ही ईमेल क्या करता है, तो कोई भी मल्टीपल एक्सटेंशन, यहाँ पे लिख रहा है मैसेजिंग इंटरनेट मल्टीपल एक्सटेंशन। ठीक है, यानी कि हम मल्टीमीडिया सेंड करते हैं मल्टीपल एक्सटेंशन, यानी कि हम JPG भी भेज सकते हैं, PNG, कोई हम फोल्डर नहीं भेज सकते, यहाँ पे हम फाइल भेज सकते हैं, ZIP फाइल भेज सकते हैं, फोल्डर को फाइल में कन्वर्ट करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल को सेंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर नंबर। यहाँ पे लिख रहा है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यानी कि ईमेल को सेंड करना है, ट्रांसफर करना है, तो किसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो यूज होने वाला है वो हम देखते हैं SMTP। ठीक है, यानी कि सेंड करने के लिए जो ईमेल जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो होता है SMTP। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड SMTP प्रोटोकॉल, ये दोनों ईमेल में ही यूज किया जाता है, लेकिन SMTP सेंडिंग के लिए यूज किया जाता है एंड पॉप थ्री यहाँ पे वर्जन बता रहा है, पॉप थ्री पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो पॉप थ्री जो होता है ईमेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है एंड SMTP ईमेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। यहाँ पे लिख रहा है UPI, UPI का मतलब क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे के नंबर पे लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूनिक पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर अब इनमें देखना है, तो यहाँ पे लिख रहा है यूनिक पेमेंट्स इंटरफेस और यहाँ पे लिख रहा है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म आपको मिल रहे हैं, उन सभी को आप याद रखें, ताकि क्वेश्चन आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल एज नोन एज। ठीक है, यानी कि ईमेल के थ्रू अगर हमें कमाना है, कमर्शियली साइट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच नंबर ब्लॉगर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच, एंड ये इसका हो जाएगा राइट आंसर ब्लॉगर। ठीक है, यानी कि ब्लॉगिंग के मदद से हम अपना कमर्शियल भी बना सकते हैं, यानी कि ब्लॉगर जो है वो कमर्शियल है, इससे कमाया भी जा सकता है।
ठीक है, इससे इनकम भी हो सकती है। आगे हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग की बात कर रहा है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब क्या, ब्लॉगर में क्या होता है कि आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, कोई हम मैसेज जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देना होता है वो हम सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखते हैं, बट यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग की बात करें यानी कि ब्लॉगिंग का बहुत ही छोटा रूप जो होता है, यानी कि 2-4 लाइन में अगर कोई चीज़ लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो बात कर रहा है वो हो रहा है ट्वीट का, यानी कि यहाँ पे ट्विटर की बात कर रहा है। ट्विटर में क्या होता है, ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट को यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। आगे हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के फादर कौन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ईमेल के फादर की, तो वो हो जाएंगे, ये है इनका फादर का नाम, राय टॉमलिंसन। ठीक है, इस नाम को आप याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, फुल ऑफ उमंग। ठीक है, एक उमंग ऐप है, इस उमंग का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे अभी देखें तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख रहा है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसका कोई यहाँ पे डेफिनेशन दिया भी नहीं हुआ, फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ, तो उमंग का ये ऐप फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, यानी कि इसमें बहुत सारे सर्विस, जितने भी सर्विसेज अभी चल रहे हैं गवर्नमेंट को, वो सारे सर्विसेज इसमें अवेलेबल होते हैं, इसके रिलेटेड जितने भी आपको नोटिफिकेशन है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे एक ही साथ। आगे हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैच द फॉलोइंग का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख रहा है ईमेल मैसेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय गवर्नेंस, यहाँ पे बात कर रहा है कि क्या ईमेल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो इसको अगर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इनक्रिप्शन करेगा। ठीक है, यानी कि इनक्रिप्शन एक मेथड है, टेक्निक है, सिक्योरिटी टेक्निक, जिसके मदद से हम अपने ईमेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनक्रिप्ट कर सकते हैं, अपने जो भी ईमेल कर रहे हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में करेंगे, तो कोई थर्ड पार्टी अगर एक्सेस भी करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। तो हमने यहाँ पे सभी के सामने नंबर लिख दिए हैं किसका कौन सा आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे और इन सभी क्वेश्चन को हम इसमें फिल करेंगे, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया होता है, टेबल दिया होता है, और इन्हीं टेबल के मदद से हमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, यानी कि इन्हीं में से हमें फिल करने होंगे। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है डैश इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। ठीक है, ईमेल से हमें कोई ईमेल सर्वर से हमें ईमेल को एक्सेस करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि SMTP प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का वो हो जाएगा POP3। ओके, तो आगे हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये पूरे स्क्रीन में दिखाई दे देगा आपको। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी, और बाद में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फर्स्ट का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2nd नंबर क्वेश्चन, एन इन्फ्लेमेटरी रिमार्क और मैसेज यूजुअली एसोसिएटेड विथ ईमेल और एन आर्टिकल पोस्टेड टू न्यूज ग्रुप इज रेफर्ड टू एज। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कोई अपमानजनक अगर हम कोई टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई पोस्ट कर रहे हैं न्यूज ग्रुप में, तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे लड़ाई झगड़े वाले, यानी कि किसी पे टिप्पणी करना, गलत भड़काऊ मैसेज करने वाला, तो उसे हम कहते हैं ना कि अपने लोकल लैंग्वेज में भी कहते हैं, जैसे कि राम एंड मोहन के बीच में आग लगा दी, यानी कि उनके बीच को भड़का दिया, उसमें फूट डाल दिया गया, तो वही यहाँ पे हमें फिल करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेम, यानी कि ईमेल में इसको फ्लेम कहा जाता है, यानी कि आग लगाने वाली बात है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम के नाम से जाना जाता है। फ्लेम जो टेक्निकल वर्ड यहाँ पे ईमेल में यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो भी न्यूज़ ग्रुप में या फिर कहीं भी अगर हम कोई भड़काऊ मैसेज डाल रहे हैं,
कोई अपमानजनक वाली बातें कर रहे हैं तो वहां पे इसको फ्लेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। आगे अगर हम देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पे लिख रहा है डैश इज फॉर ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स, ठीक है। आपने पूरे यूनिवर्स में अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करना है, उसको बताना है कि ये सही है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम डिजिटल सिग्नेचर के मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोई भी हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं और वो उसको ऑथराइज बनाना है तो उसको हमें डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करना पड़ेगा। जब तक हम वेरीफाई नहीं कराएंगे तब तक वो क्या होगा कि वो सही नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर को देखते हैं। फोर नंबर क्या कह रहा है, मेल एक्सेस स्टार्ट विद क्लाइंट व्हेन यूजर नीड्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किए थे कि हम अपने ईमेल जो क्लाइंट है वो ईमेल कहाँ से डाउनलोड कर सकता है, तो क्लाइंट अपने मेल बॉक्स से यानी कि इनबॉक्स से डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे डी नंबर पे है मेल बॉक्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर का वो हो जाएगा डी। आगे हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डैश इज द स्लोगन ऑफ यूपीआई, यूपीआई का स्लोगन क्या है। तो यूपीआई का स्लोगन अगर हम देखें, यूपीआई मनी ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे सी नंबर में लिखा हुआ लेस कैश मोर डिजिटल, ठीक है। छोटे अमाउंट हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, तो इसका ये स्लोगन है, इसका जो सी आंसर हो जाएगा, ओके। तो आगे हम देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन एक बार और आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका राइट आंसर है जी, ठीक है। स्पैम में के मदद से भी कमाया जा सकता है, उसमें क्या होता है कि हैकर्स लोग कुछ अपनी जो भी मैसेजेस होते हैं वो वहाँ पे सेंड कर देते हैं, वहाँ से भी कोई काम किया जा सकता है, ठीक है। तो अनचाहे जो कमर्शियल ईमेल वाले होते हैं वो यहाँ से स्पैम में मैसेज सेंड करते हैं और वहाँ से भी यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्लॉगिंग होता है तो ब्लॉगिंग भी हम यहाँ पे सेट कर सकते थे, बट ब्लॉगिंग वाला भी अभी हमने मैसेजिंग वो मैचिंग में देखा था तो वहाँ भी उसका राइट आंसर था, बट यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं है तो स्पैम है, तो स्पैम की मदद से भी कमाया जाता है। स्पैम में अनवांटेड जो भी मैसेज होते हैं, ईमेल होते हैं, वो स्पैम फोल्डर के अंदर ही जाते हैं, ठीक है। जो भी कोई कम्युनिटी होते हैं वो इन्हीं सब में जाते हैं। आगे हम देखते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन, डैश इज डिजिटल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड, ठीक है। डैश डिजिटल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटली सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है X.509, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F, डिजिटल सर्टिफिकेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है वो X.509 के तहत ये वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे जो भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ये इसी पे वर्क करते हैं। आगे हम देखते हैं इसका जो सिक्स का जो राइट आंसर था वो था जी स्पैम, एंड सेवन का जो राइट आंसर था वो था एफ, एंड एट नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज ऑफर वीडियो कॉलिंग फीचर्स सच एज डैश एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें उस प्रोटोकॉल के बारे में बताना है जिसकी मदद से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इसका एक राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये VOIP का फुल फॉर्म है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे हम नाइन नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर लिख रहा है द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज बिटवीन डैश एज ऑपोजिट टू बिटवीन द टू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है या प्रोडक्ट है तो वो हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम एक्सचेंज करना है कोई भी प्रोडक्ट्स को तो बिजनेस टू कस्टमर के माध्यम से हम कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच, ठीक है। यानी कि कोई बिजनेस है उसमें आप सर्विस एक्सचेंज करो या फिर प्रोडक्ट ले रहे हो तो बिजनेस टू कस्टमर का यहाँ पे लिंक बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, यहाँ भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई एक बिजनेसमैन है दूसरे बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बिक रहा, तो वो भी एक कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा वो हो जाएगा B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर।
आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर है, यहाँ पे लिख रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा है ये लिख रहा है उस प्रोसेस के बारे में, यहाँ पे पूछ रहा है प्रोसेस क्या हो रहा है। तो ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, कोई एक इंटरनेट पे कंप्यूटर है, वहाँ से फ्रॉम वहाँ से हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है और कहाँ करना है, तो टू लिखा हुआ है टू योर कंप्यूटर, यानी कि फ्रॉम एंड टू में आप समझ सकते हैं फ्रॉम ये कहाँ से डाउनलोड करना मतलब यूज एक्सेस करना है और कहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे इंटरनेट पे अगर कोई रखा हुआ है कंप्यूटर और वहाँ से अगर हमें अपने लोकल कंप्यूटर में उसको स्टोर करना है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग। ठीक है, ये डाउनलोडिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है एल। अगर इसी को ऑपोजिट कर दिया जाए, यानी कि अपने कंप्यूटर से टू योर कंप्यूटर सेंड, अपने लिखा जाए फ्रॉम योर कंप्यूटर टू सेंड इंटरनेट कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के कंप्यूटर पर अगर हम सेंड कर रहे हैं तो उसे हम प्रोसेस को अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न अगर सही से नहीं करेंगे तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसका कभी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग, तो इसमें सही से यहाँ पर लिख भी रहा है कि फ्रॉम में लिखा हुआ है ऑन द इंटरनेट कंप्यूटर, यानी कि जो सर्वर रखा हुआ है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और वहाँ से अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल को एक्सेस करना है तो उस प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर एल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक्स पे किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो, इवन आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इटिक्विटी। इटिक्विटी कभी नेटिक्विटी इस तरह से भी पूछा जाता है। नेट का इंटरनेट का नेट होता है इक्विटी, यानी कि इंटरनेट का इंटरनेट पे आपका क्या शिष्टाचार है, व्यवहार है। ठीक है, बिहेव के बारे में यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखेंगे ये ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट, ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ट्विटर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। ठीक है, उमंग ऐप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ई कॉमर्स के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ई कॉमर्स में शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। ठीक है, और ईमेल की ईमेल तो पढ़ के ही जाइएगा, इसके कितने प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी क्या फंक्शनलिटी है, उनके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, ईमेल कैसे वर्क करता है, कैसे हम कोई अटैचमेंट ऐड करेंगे और कैसे हम सिग्नेचर ऐड करेंगे, कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे आप ऐप करके जाइएगा और यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसे आप यूज़ करें। एक और यहाँ पे आउटलुक है, आउटलुक पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आउटलुक एक्सप्रेस, इस पे को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपने यहाँ पे सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें बिकॉज कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।